के जो वहां पे जो हालात हैं उनको अच्छी तरह से मैं नहीं जानता कि बेनजीर मारी गई या वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो चला गया छोड़ के मुल्क। ऐसी नामत है अमन, लेकिन आप जिन उन लोगों को पता है जिनके मुल्क में जंग है, जिन लोगों के मुल्क में अमन है वो उसकी कदर नहीं जानते। हम तो पाकिस्तानी फौज से ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी फौज अपनी कमर बांध ले और जो टेररिस्ट है भाई इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि शिया कौम का बच्चा बच्चा और शिया कौम का मर्द जन और शिया कौम के जितने भी लोग हैं चाहे वो जाकिर टाइप हो मौलवी टाइप हो बिल्कुल इस बात के हक में और फौज की तारीफ करेंगे कि ये इस बात में। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि ये कुरान पाक में सूरह यासीन में यह है कि रोज़े क़यामत जब मुर्दों को जिंदा किया जाएगा वो कहेंगे कि हमें ये नींद से किसने जगा दिया। असहाबे काफ के बारे में भी यह है कि वो 309 साल सोए रहे और उसके बाद जो है उन्हें जब जिंदा किया तो उनका रात हो एक दिन से सोए थे। इसी तरह हज़रत इदरीस का किस्सा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम कहते हैं कि कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे और बरज़ख होगा, तो जबकि कुरान पाक में मुनकर नकीर का जिक्र और बरज़ख का जिक्र नहीं है। अगर है तो फिर ये जहाज़ों में जो लोग चल जाते हैं उनके जन्म मिलती है, इतने लोग अपने बुढ़ते चला देते हैं, तो ये फिर कब्र का अज़ाब क्या है? कब्र का अज़ाब फिर क्या नहीं होगा? क्या हकीकत है? देखिए ये जो सूरह यासीन में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ويلنا يا ويلنا من مر من بعثنا من مرقدنا هذا يا ويل قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ حدیث شریف میں ہے کیونکہ قیامت کا عذاب اتنا زیادہ ہے قبر کے مقابلے میں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قبر قیامت کے مقابلے میں جہنم کے مقابلے میں وہ ایک خواب کی طرح ایک راحت کی طرح کہتے ہیں ہمارے رخت خواب سے ہمارے بیڈ سے ہمیں کس نے اٹھایا. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजाब में मुब्तला नहीं थे या वहाँ पर बरज़ख नहीं है, क्योंकि कुरान क्या है वो मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअथून। इंसान जब मरता है तो एक आलम बरज़ख में चला जाता है यौमि बअस तक रोज़ महशर तक। तो हदीस शरीफ में है वो बल्कि हज़रत किन से रिवायत है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से यह रिवायत। ओके, तो असहाब काफ जो थे वो सोए होते वाकन वो सोए हुए थे और वो इस तरह नहीं थे कि उनको और फिर अल्लाह ने उनको जगा दिया है तो उनको एहसास नहीं हुआ तो वाले में बरज़ख में नहीं थे। तो आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को आप आपस में मिला रहे हैं, ठीक है ना। असहाब काफ भले मैं देख लूँ असहाब काफ के मुतालिक, हाँ बिल्कुल वो काफ में सोए हुए थे और सूरज आता था तो हम उनको पलटाते थे ना, कुरान की आयत है वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, हम उनको पलटाते थे आएँ और दाएँ की तरफ व कल्ब हम बासित ज़राई ही बिलवसी। तो इस तरह बरज़ख जो है आलम कब्र है, आलम कब्र। अच्छा, जो आपने सवाल किया जो लोग जल जाते हैं ना उसकी भी हदीस है, अल्लाह ताला जो शख्स समंदर में डूबता है जो शख्स जल जाता है वो खाक सर बन जाता है तो अल्लाह ताला उसको भी अज़ाब कब्र दे देता है। अल्लाह जानता है कि उसको कैसे अज़ाब कब्र दिया जाए, कैसे फिशार कब्र दिया जाए, वो अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचता, ठीक है ना। वो कैसे होता है वो अल्लाह जानता है कैसे होता है। एक दूसरी दुनिया है हम नहीं जानते कि उसकी कैफियत कैसी है। अल्लाह ताला बहुत सारे काम अल्लाह ताला ने कैसे किया है ना, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया दो आंखें दी ये कौन समझ सकता है, इसमें इतना हिकमत है इतना डिज़ाइन है और इसमें इतनी अल्लाह की हिकमत है हर चीज़ में। देखें अगर देखें आप सोचें कि हमारे हाथों में अल्लाह ने अंगुलियाँ रखी हैं नाखून रखे हैं उंगलियाँ पाँच हैं, अगर इसमें सोच हर चीज़ में इतनी हिकमत है इसके जॉइंट्स हैं ये कैसे काम करते हैं। साइंटिस्ट इसमें अपनी उम्र लगाते हैं वो कुछ उनको समझ आ जाती है फिर वो आगे कहते हैं वो फिर उम्र ख़त्म हो जाता है फिर दूसरा साइंटिस्ट वहाँ से आके शुरू कर देता है ना। और साइंस इतनी आगे बढ़ गई है बायोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है उसके बावजूद अभी जो हम खिलकत के अलिफ को भी नहीं समझे बा तक भी नहीं पहुँचे ना इस किताब में, किताब खिलकत इतनी अजीम है। कल भी मैंने सवाल किया था शायद सीखा से मैं वजात कर पाया। ऐसा ये है कि जब तक हमारे सुनने में आ रहा है कि जमात फालतीन और लोग और दूसरा अपना हमारे अपने जो शीजा नुमा हैं ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से बैन किया जाए, इसके लिए उन्होंने मजमू को कंटैक्ट भी किया कि शायद नयाली साहब पाकिस्तान की अफवाह के खिलाफ
क्योंकि मौजूदा सूरत में पाकिस्तान का फाज जो है जो उर्दू की बर्बादी में दुनिया और कितने अच्छे तो लोग उनकी तरफ नजर रखते हैं तो फौज का अपना जैसा सूस है आम आपके में रहता है और फौज एक पाकिस्तान के हिस्से से बहुत काम करते थे वो काम हमारे इदारों के करने के मतलब सैलाब में सिलसिले में चीज़ों पर जो सिविल इदारों के काम करते थे वो फौज आके बढ़ चढ़ के काम करते थे तो ये इस तरह का तसर दिया जा रहा है जहाँ दूर के सोशल मीडिया पे कि शायद आप पाकिस्तान की जो अफाश हो वो अच्छा कर सकते हैं या जबकि आप किसी मुतकरीन में उसमें आपने हमेशा पाकिस्तान और उसके अफाज से मुहबत का इजहार किया है और मौजूदा क्या खुफिया बहुत अच्छी गा सकते हैं इसकी वजाहत आप कर देंगे। अर्ज यह है मेरे भाई कि देखे मैं पाकिस्तान के अखबार को फॉलो नहीं करता और मैं अमेरिका के अखबार को भी फॉलो नहीं करता, यानी टाइम इतना नहीं मिलता, ठीक है। शह सुर्खी का भी नज़र आता है, कोई अहम बात हो तो हमें नज़र आ जाता है। और ये मेरे ये कोई तखस्सुस नहीं है सियासी मामलात को फॉलो करना। और मैं हकीकत यह है कि मैं वो पाकिस्तान के जो वहाँ पर जो हालात हैं उनको अच्छी तरह से मैं नहीं जानता। लाजमी बात है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो उनका मुल्क दिन रात उधर ही होता है, बचपन से रहें बड़े उन वो अपने हालात को बहुत मुझसे बेहतर जानते हैं और पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है वो लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और ये अगर मैं आप यहाँ पे देखें यहाँ पे मैं सियासी इजहार राय करूँ कि आप फलाना पार्टी बेहतर है फलाना पार्टी बुरा है तो ये बिल्कुल जहालत पे मबनी बात होगी, क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानता। और मैं इन लोगों का अभी एक दफ़ा एक आदमी मौलवी आता है कहता है मैं PDM का आदमी हूँ, ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में PDM का नाम सुना, हालांकि शायद पाकिस्तान में ये बहुत ही आम चीज़ होगी ना, मुझे नहीं मालूम PDM क्या है। मैंने उससे पूछा PDM क्या होता है, उसने बोला नहीं, शायद उसने मेरी बात को नहीं समझा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मालूम PDM क्या है, अल्लाह जानता है। मुझे अब एहसास होता है शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये क्या है। तो जो बड़ी बड़ी खबरें हैं ना कि बेनज़ीर मारी गई या वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो चला गया छोड़ के मुल्क, ये हमें शह सुर्खी नज़र आता है, इसके अलावा हम इतने नहीं जानते। लेकिन हमें एक बात का बखूबी एहसास है कि पाकिस्तान जो मुल्क है ना इस मुल्क में गद्दारी बहुत है। और आम तौर पर आपके जो सिविलियन पार्टीज़ हैं पोलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इतने ये कहने में तो लोट वोट वगैरह लेते हैं लेकिन इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये मुल्क चला बचा कैसे मुझे नहीं मालूम, ठीक है। पाकिस्तानी शायद खुद भी कहते हैं कि इतने गद्दारी के बावजूद ये मुल्क बचा कैसा है, ठीक है ना, तो वो खुद भी ताजुब करें। क्योंकि जो भी आता है हमने देखा है पाकिस्तान में कि वो बाद में पता चल जाता है कि आदमी चोर था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं आवाम से लोग अक्सर ये होता है कि वोट लेके आते हैं या पार्लियामेंट में चले जाते हैं या फिर वो वजारत खाने इनको मिलते हैं, तो ये अक्सर ये होता है कि लोग अपनी कौम की खिदमत नहीं करते। और फिर पाकिस्तान के ऐसे मुश्किलात हैं इसके अलावा कि आपकी जो सियासी पार्टीज़ हैं ये इतने रिलायबल नहीं हैं। इसके अलावा मुल्क में जो दहशतगर्दी है, ठीक है ना, वो ये मुझे तो ये लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं दहशतगर्दों से ये समझौते भी कर लेंगे इनको वोट मिलने के लिए। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह तबारक व तआला ऐसा हालात आ जाए और शिया कौम को बिल्कुल इस बात पे जो भी आ जाए ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी से लड़े फौज लड़ता है तो बिस्मिल्लाह, जो भी पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दों से जो टेररिस्ट हैं अब मुख्तलिफ पार्टी से वो उनको आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं उनसे अगर लड़ते हैं तो बिस्मिल्लाह शिया कौम को चाहिए कि उनका साथ दें उनकी तायीद करें, क्योंकि मुल्क में अमन होगा तो आप आराम से रहेंगे। मुल्क में ये एक ऐसी नामत है अमन, देखें आप जिन उन लोगों को पता है जिनके मुल्क में जंग है, जिन लोगों के मुल्क में अमन है वो उसकी कदर नहीं जानते, जिन लोगों के मुल्क में वो अमन नहीं है वो उसकी कदर जानते हैं कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वापस आते हैं सलामती से आपको फिक्र ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। आप इराक़ में हैं या लोग मसलन अफगानिस्तान में हैं वो बेचारे या तो स्कूल नहीं जा सकते या स्कूल गए तो वो फिक्र होता है कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में भी नाम नहीं है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं वापस आने पे तशवीश होती है कि वापस आएंगे भी कि नहीं। तो इंशाल्लाह ये करें कि हम तो पाकिस्तानी फौज से ये चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानी फौज अपनी कमर बांध ले और जो टेररिस्ट हैं भाई इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि शिया कौम का बच्चा और शिया कौम का मर्द ज़न और शिया कौम के जितने भी लोग हैं चाहे वो ज़ाकिर टाइप हो मौलवी टाइप हो बिल्कुल इस बात के हक़ में
और फौज की तारीफ करेंगे कि ये इस बात में कि ये निकाला जाए, ये मौलवियों के जो फितने हैं, मौलवियों के जो फितने हैं इनको ख़त्म किया जाए, ये जो मुसल्लहाना फितने हैं या दीन मजहब के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तबारक व तआला ताला मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे हालात लाएँ और ऐसे अफराद को अल्लाह ताला तरक्की दे जो चोरी तो सब करेंगे, जो ज़्यादा चोरी कम करें, कौम की भी खिदमत करें। हम तो ये तो नहीं तवक्को कर सकते हैं कि बिल्कुल ये चोरी गद्दारी छोड़ देंगे, लेकिन कौम की भी खिदमत करें। अगर उसके साथ चोरी हो जाता है वो तो उसका तो कोई चारा ही नहीं है क्योंकि वो तो होता रहेगा।